राम गांव बिड़िया खेरी में शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर खाद्य कंट्रोल पर जब खाद्य वितरण किया जा रहा था, राशन की कतार में एक विकलांग व्यक्ति मिश्रीलाल मीरा खड़ा था। उक्त विकलांग व्यक्ति ने गांव के राधेश्याम सावरा को कहा कि मैं धूप में खड़ा खड़ा थक गया हूं, मुझसे लाइन में खड़ा नहीं हो जाया जा रहा है, मुझे जल्द राशन दिलवा दो। तभी इस बीच राधेश्याम सावरा के द्वारा खाद्य बांटने वाले सेल्समैन नानूराम परमार को कहा गया कि अपंग व्यक्ति को पहले राशन दे दो। इस पर नानूराम परमार ने राधेश्याम सावरा को कहा कि आगे चल, ज्यादा नेतागिरी मत कर। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि जब एक विकलांग व्यक्ति जो लाइन में नहीं खड़ा हो पा रहा है और उसे राशन की आवश्यकता है तथा विकलांग व्यक्ति को जल्दी राशन देने का कहने पर सेल्समैन द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाना कहाँ तक उचित है, अब देखना यह होगा कि अधिकारी खाद्य विभाग के आला अधिकारी सेल्समैन नानूराम परमार के विरुद्ध क्या कार्यवाही करते हैं, कार्यवाही करते भी हैं या फिर लीपापोती कर दी जाएगी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? नानूराम परमार। आज आप पे आरोप लग रहे हैं कि आपने राजस्थान जी से अभद्र व्यवहार किया है। किसी से अभद्र व्यवहार किया हमने? मेरे पास 3-4 गवाह है, किसी से अभद्र व्यवहार नहीं किया हमने। राधेश्याम जी को मान लिया 16 किलो 32 किलो मान, इनको 8 किलो चावल दिया, 1 लीटर घास दिया, एक नमक दिया। एक विकलांग खड़ा था लाइन में। मीना, क्या हुआ सोसाइटी पे? किस सोसाइटी में सर लाइन में लगते हैं हर महीने, इस तरह इसी बार भी मैं भी विकलांग आदमी हूँ, मैं लाइन में लगा था। ये भैया है, इन्होंने बोला विकलांग की कोई लाइन नहीं लगती है, तो अंदर गए सेक्रेटरी से बात करी, तो सेक्रेटरी साहब ने इनको बोला नेतागिरी बात करी, यहाँ के ऐसा भाषा का प्रयोग करा इन्होंने। क्या नाम है सेक्रेटरी का? ननु राम परमार। अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया गया? हाँ, अभद्र भाषा यही कि नेतागिरी बात कर, बाकी कुछ नहीं।